रास्ता कैसा है भाई? डर तो ही लग रहा अंदर। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभी गेट लग गया था बाहर से, तो उसको डर लग जैसे हम आए थे, तो एकदम से क्या हुआ कि दोनों के दोनों गेट लग गए। अभी अभी तो आए और एकदम से दोनों गेट लग गए। मैंने कि अंकल सुबह सुबह हम अकेले हैं, ऐसा नहीं है भूत आ गया हमारे साथ ही ब्लॉग बना। आओ बेटा आपके साथ को ब्लॉग बनाता। हाँ तो सुनने के लिए आया है और यहाँ पर एक्सरसाइज होती है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी हम निकले हैं आज मॉर्निंग, तो आज हम आए हैं ग्वालियर फोर्ट, क्योंकि आज अमन जो भी आए साथ में मेरे। गाइस स्टार्ट मी अमन एंड नाउ यू आर वाचिंग टू विद गॉड ब्लॉग। हमारे भैया को चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आग लगा दो। तो अभी चलते हैं हम ऊपर और दिखाते हैं आपको अच्छे अच्छे नज़ारे, और जो मानसिंह महल है वहाँ का एक बार फिर से आपको व्यू दिखाएंगे वहाँ का। तो चलते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। अभी हम उर्वाई गेट पर नज़दीक आ गए हैं, तो यहाँ से हम एंटर करेंगे। लोग आ चुके हैं ऊपर, अभी जा रहे हैं मानसिंह महल के, वहाँ पर 7 बजे उसकी एंट्री होती है। अगर हम लोगों को टाइम हुआ वहाँ पर तो अवश्य देखेंगे उधर का भूल भुलैया का। तो हम वो मेरे साथ में है अमन भाई, तो अमन भाई सात बजे आएंगे वहाँ पर अपन लोगों को। अगर अपन लोग वहाँ भूल भुलैया जाते हैं तो 7 बजे ओपन होगा वो। 7 बजे तो ओपन होगा, हाँ ये बात तो है, क्योंकि धूप भी निकली आई है। 6 से 6 कितना टाइम हो रहा है अभी? अभी 6:08 हो गए, 6:08 हो रहे हैं। धूप भी निकली आई है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की से धूप हो रही है। अरे ये धूप की वजह से क्या ना, मतलब वीडियो अच्छी बन रही है। हाँ अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ वीडियो अच्छी आए बन रही है, तो आगे देखते हैं अपन। अभी मानसिंह महल की तरफ चलते हैं वहाँ। तो गए सेरा फोर्ट व्यू, चारों तरफ से दिखा देता हूँ आपको। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है, और देखो जैसे कि कहा तो सन निकल आया है, और यहाँ पर एक्सरसाइज होती है, तो देख सकते हो आप। अभी चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या नज़ारे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अभी ऊपर, और देख सकते हो यहाँ का व्यू पीछे, मानसिंह महल है मेरे पीछे, और यहाँ पे व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है नीचे का। तो अमन भाई क्या कहना है भाई? अमन भाई व्यू की बात करें तो व्यू का बहुत कदा सीन है, मैं बता दूँ ना। अभी है ना व्यू तो इतना कदा दिख रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको, इतना कदा दिख रहा है मॉर्निंग के टाइम। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो इस तरफ हो जाते हैं इस तरफ, क्योंकि सन इधर है तो इधर से अच्छा आएगा कैमरा, वहाँ से सही नहीं आ रहा है कैमरा। तो अभी हम लोग देखते हैं, अगर ओपन हो गया और भूल भुलैया तो वहाँ अपन लोग थोड़ा बहुत जाते हैं, क्योंकि अमन ने देखा नहीं है भूल भुलैया। नहीं देखी ना अभी तक? अभी नहीं देखी, अभी तक भूल भुलैया ही देखी है वहाँ की। तो हम लोग अभी वहाँ जाते हैं और चेक करते हैं कि ओपन हो गए या नहीं हो। वैसे 7 बजे का टाइम है, अभी 6:38 हो रहे हैं, और नीचे देख सकते हो आप किला गेट वाली जो व्यू है, किला गेट वाला, यहाँ से इंसान पैदल आता है, और जहाँ से हम लोग आए वहाँ से बाइक कार भी आ सकती हैं। अगर आप आना चाहते हो तो जो पागल खाना वाली रोड है ना, वहाँ से आप लोग ले आइए, वहाँ से सीधे उर्वाई गेट का रास्ता मिलेगा, वहाँ से आप बाइक वगैरह ला सकते हो। और आप जहाँ से आओगे, जो मैंने आपको व्यू बताया है इस एरिया का, जो वाला पीछे वाला एरिया, यहाँ से आप पैदल आ सकते हो। आश्रम वाली यहाँ पे खड्डे होते हैं, गाड़ी की सौगत खराब हो जाएंगे उधर। तो पागल खाना लेके आ रहे हैं, पागल खाना वाली रोड बताइए, वहाँ से ये लोग आ सकते हैं। और आपको मैंने यहाँ का व्यू दिखा दिया है, आगे देखते हैं और आगे क्या है। टिकट है, हम लोगों ने टिकट लिया है, तो इस पर भी आप देख सकते हो स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत स्वच्छ स्मारक ग्वालियर फोर्ट। यह आप लोग टिकट ले हुए तो आपको 3 जगह घूमने को मिलेंगे, मात्र 25 रुपये का है ये टिकट। तो ये टिकट आप एक जो मानसिंह महल घूम सकते हैं भूल भुलैया, और सास बहू मंदिर भी इसमें आप घूम सकते हो, और आप तेली का मंदिर घूम सकते हो। इतिहास है जैसे कि आप देख सकते हो, लोग जा रहे हैं अभी भूल भुलैया के अंदर, तो गार्ड अंकल बैठे हुए हैं। ये गेट है, यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर की ओर। अभी आने के बाद में अपन जा रहे हैं अंदर की ओर, तो देखते हैं ये बना हुआ है राजा मानसिंह महल। राजा मानसिंह महल में आप देख सकते हो यहाँ की चित्रकला, यहाँ पे आप देख सकते हो,
ऊपर जो जैसे कि हवा के लिए संचार दिया गया है यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ से हवा आती है तो गर्मी का एहसास नहीं होता है यहाँ से। और ये बना हुआ है जो राजा मानसिंह थे ना, यहाँ पर उनकी रानियाँ थीं। तो मैं दिखा रहा हूँ पूरे अपने व्यू से, इस यहाँ पे नृत्य किया करती थी इस एरिया में। जैसे कि बहुत बड़ा ये आंगन बना हुआ है यहाँ से, और उस तरफ से जो आपको दिख रहा है जहाँ से विंडो दिख रही है, उस तरफ से राजा वहाँ से देखते थे यहाँ पर जो उनकी रानियाँ यहाँ पे नृत्य करती थी। मजा नहीं आ रहा है। और ये बना हुआ है एक और इन्हीं का, तो चलते हैं आगे राजा मानसिंह का। लगता है मुझे जहाँ से जे भी यहाँ से ऊपर जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे अच्छी पेंटिंग की गई है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पर कला दी गई थी पर यहाँ से हटा दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ठंडी ठंडी हवा आ रही है सामने से। तो यही है, पहले के ज़माने में पंखे वगैरह तो होते नहीं थे, तो इन जरियों के कारण यहाँ से हवा आया करती थी। तो हर फ्लोर पर दिए गए हैं, हर फ्लोर पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक यहाँ से दिया गया है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ ना, मुझे भी यहाँ से बाहर की ओर से हवा आ रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा एरिया लगता है यहाँ से। और आगे की ओर देखते हैं अपन लोग, आ चुके हैं रानी गुजरी महल और मानसिंह महल में। तो यहाँ पे अपन ने चारों तरफ को मैंने आपको व्यू दिखा दिया, और साथ में जो स्ट्रीट इसकी यहाँ के दिखा दिए। तो कैसा लग रहा है अपन भाई? पहली बार मेरा ये सेकंड टाइम है, क्योंकि पहले आया था मैं नवीन भाई के साथ में और आज अमन के साथ में आया हूँ। तो यहाँ का मैंने एरिया यहाँ का व्यू बता दिया है, और अंदर अपन जाते हैं, अंदर अभी देखते हैं अंदर का रास्ता कैसा है। भाई डर तो ही लग रहा अंदर ही नहीं लग, क्योंकि अभी गेट लग गया था बाहर से, तो उसको डर लग गया। जैसे हम आए थे तो एकदम से क्या हुआ कि दोनों गेट लग गए। अभी तो आए और एकदम से दोनों गेट लग गए। मैंने कि अंकल सुबह हम अकेले हैं, ऐसा नहीं है भूत आ गया हमारे साथ ही ब्लॉग बना। आओ बेटा आपके साथ ही ब्लॉग बनाता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अंदर कोई नहीं मिलेगा आपको चमगादड़ के अलावा। लाइट भी लगी हुई है, बल्ब वगैरह भी लगे हुए हैं अंदर। पिछले टॉर्च है, टॉर्च भी है मोबाइल की, सही है टॉर्च भी है। तो अंदर चले, चल डर तो नहीं है? नहीं। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर का एरिया। वैसे तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखा दिया, पर इस बार की वीडियो में आप लोगों को साथ में हिस्ट्री के साथ में, और जाने के बाद में हमें ये शटर भी लगा हुआ है। पता नहीं ये शटर कैसा है, मुझे तो लग रहा है ये यहाँ पे लोग लगा दिया गया है। ये वही शटर है जो यहाँ पे भूलैया का रास्ता था, वो बंद कर दिया गया है इस तरफ से। और काफ़ी, तो हम लोग अभी अकेले ही हैं, दो जने हैं पूरे किले में, अकेले हैं। चमगादड़ आ जा, कोई बात नहीं है। डर गया क्या? डर नहीं भाई। ये भी एक नृत्य के लिए ये भी बना हुआ है आंगन यहाँ का, जैसे कि। और यहाँ पर देख सकते हो चारों तरफ से व्यू भी अच्छा आ रहा है, और साथ में आपको यहाँ पर पेंटिंग भी मिलेगी। तो ये रही इनकी बालकनी, यहाँ से राजा खड़े होकर देखते थे जो इनका आंगन है, जो यहाँ पर रानियाँ नृत्य करती थी। तो यहाँ पर शटर लगे हुए हैं, जैसे कि एक शटर मैंने वहाँ दिखाया था, एक शटर ये है जो ऊपर के रास्ता जाता है, जे भूलैया है। अंदर जाते हैं अभी हम लोग, क्योंकि अभी तो अकेले हैं हम लोग यहाँ पर। अब देख लेते हैं यहाँ पर भी देखो सामने ऊपर का एरिया है, जैसे कि आपको ये गोमर दिख रही होगी ना, यहाँ पर चमगादड़ अपना पहरा बनाकर चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो पहले लगता है मेरे को यहाँ पर सोना चांदी या हीरे जवाहरात लगे होंगे ऊपर का, जब भी आकृति ऐसी है इनकी। और ये रहा पूरा व्यू यहाँ का, और यहाँ से देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, पंखे वगैरह तो होते नहीं थे इस एरिया से, यहाँ से ही आपको हवा आया करती थी। और जैसे कि ये भी है एक विंडो, देखो क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और सामने का आपको एरिया भी मस्त लगेगा दिखने को। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है व्यू, जैसे हमें आता है कि सामने वाले हाँ। भी लगने से पता भी नहीं पड़े। काफ़ी अच्छा व्यू है, हर क्षेत्र में दिया गया है। और यहाँ पर पहले लाइटिंग की व्यवस्था भी नहीं थी, जो उस समय राजा महाराज रहते थे, तो वो
क्या आता था पहले के ज़माने में, चिमनी वगैरह आती थी उससे ही रोशनी हुआ करती थी। गाइस हम पहले भूल भुलैया के जो गेट है वहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगता है अमन को डर लग रहा है, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं भूल भुलैया के अंदर। तो देखो एक जहाँ पर एक बल्ब दिया गया है यहाँ पर, तो यह रही भूल भुलैया की रास्ता। ओहो चमगादड़ है यहाँ पर, तो संभल के जाते हैं जहाँ से आगे की ओर चलते हैं। आ जा। तो देखो यहाँ पे चारों तरफ यहाँ बल्ब लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पे गेट बना हुआ है, ये रहा, तो ये रहा राजा मानसिंह जो यहाँ पर जो चमगादड़ है पूरे तरफ। अरे यार ये यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, चमगादड़ हैं यहाँ से, देखो बहुत सारी चमगादड़ हैं। तो एक गेट ये बना हुआ है, अबे क्या कर रहा है, ये गेट बना हुआ है यहाँ से, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, देखो ये भी यहाँ से हवा का संचार होता है यहाँ पे भी। आया पूरी तरफ चमकारी चमकादड़ हैं, तो यहाँ से हम जल्दी बाहर निकल जाते हैं, आवाज़ गूंज रही है ना। और अमन तो ऐसा हो गया है यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा हुआ है यहाँ पे कैमरा, यहाँ से हम लोग जीने चढ़ रहे हैं, तो आपको अभी कैमरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। अमन को लगता है डर लग गया, क्यों अमन डर लग रहा, वो आवाज़ सुन रही थी अपनी चार चमका चमका जा रहा है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग निकले आए एक गेट से, अमन तो पूरा नीचे ही हो गया था तो हम लोग यहाँ से आ गए हैं अभी बाहर निकले आए। घूम सकते हो भूल भुलैया भी, घूम सकते हो तेली का मंदिर भी, घूम सकते हो तो यहाँ का। हाँ 25 रुपए में आप 25 रुपए की तो पाव भाजी नहीं आती नहीं आती। तो 25 रुपए में ये लोग फोर्ट 3 चीज़ घूमने के लिए दे रहा है, सासवां मंदिर भी दे रहा है घूमने के लिए। तूने सासवां मंदिर भी नहीं देखा है ना? तो रोज आता है। और मैं आता हूँ पर मतलब ऐसे घूमने के मकसद से मैं कभी नहीं आता, मैं सब रनिंग के मकसद से आता हूँ, रनिंग करके चला जाता हूँ, मेरा यही रहता है। अच्छा। आज हमारा पहली बार हम आए और फिर आधी कभी बोलते हैं भाई नीचे चलते हैं, मैं चलो भाई नीचे चलते हैं, और भाई को डर लग गया, नीचे आके देखेंगे आगे क्या सीन चलता है उधर। हम लोग नीचे गए तो नीचे आके पता पड़ा कि चारों तरफ ऐसा लगा नींबू के पेड़ बहुत उसके नींबू के पेड़ पे नींबू लड़के होते हैं ना वैसे, उस पर चमकाले लड़के हुए थे, बिल्कुल पूरी मुंडी झुका के चलना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे कैमरे की टॉर्च चल रही थी, तो सब मुझे ऐसा लगा इसको सब ना बहुत संभाल रहा है, ट्रॉफी संभाल रहा है, पता पड़ा इसको झपट्टा मार दिया, कहता भाई फोन ले आओ मेरे को आने दो फोन नया आ जाएगा। अगर भाई तब तो कोई अगर तू आगे चल रहा पीछे तो जीने से चढ़ रहा था कोई तो टच कर देता तो मैं भाई आता घर पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, नहीं रुकता बिल्कुल नहीं रुकता तो आई गर्मी काम है। वैसे मैं बता दूं एसी में, आपको सबको बता दूं कि अभी मतलब सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी पूरे किले में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और रोहित भाई। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। रोहित भाई बोलते हैं कि अमन अपन किले चलना है, मैं भाई चलते हैं, रोहित बोलते 7 बजे चलते हैं, मैं ठीक है चलते हैं, मैं बोला कि 7 बजे लोग आ गए होंगे, पर 7 बजे के टाइम पे कोई नहीं है पूरे किले में, जो जो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ना तो मतलब हमें तो अपनी आवाज़ सुनाई आ रही है, हमें अपनी तक आवाज़ सुनाई आ रही है यहाँ पे, एक बार नहीं 2-3 दिन बाद सुनाई आ रही है। अभी ना बहुत से लोग बाहर भी आए थे पर उन पर विदाउट टिकट थे, वो लोग आ नहीं पाए है ना, बच्चे आ रहे थे, बच्चों को मना कर दिया, मना कर दिया उन लोगों ने कि आप लोग बिना टिकट के नहीं जा सकते, तो अगर एक आध बच्चा होता था अपन इनको ले भी लेते, अगर वो 5-6 बच्चे थे वो और इनके उनके फादर भी थे और एक, तो वो ऐसे ही आए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चे हैं बच्चों को थोड़ा सा देख ले देते हैं है ना, जैसे ही बनाए थे वैसे गेट लग गए थे दोनों। हाँ यार जैसे ही बनाए थे वैसे पूरे दोनों के दोनों गेट लग गए थे, मैंने कि भाई ये सीन तो मैंने हॉन्टेड मूवी में देखा है, उसमें अभी वाली उस पे आता था ना चलो भाई फिर चलते हैं बाहर, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं और हम आगे का रास्ता तय भी नहीं कर पा रहे क्योंकि अमन भाई जाएंगे नहीं, मैं चलो चले भी जाता हूँ तो भाई जाने को रेडी तो है पर जा नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं है भाई को, नहीं हिम्मत है, चलते हैं चलो एक बार चलते हैं, चलें चलो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, जैसे मैं तो एक माले चलता हूँ ना कोई नहीं है नीचे, वहाँ अंधेरा है
टोटली और वो चमगादड़ मिलेंगे। हाँ चले क्या मना कर दिया इसने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ऐसी जगह पे नहीं खाना कोई चीज। जब पहले से हमने हिम्मत आ रहा है तो आगे नहीं जा पाएगा। चलने क्या क्या चलना है क्या ऊपर चलते हैं। ऊपर नहीं है ऊपर तो फिर रहने दो। मना कर रहा है अपने लिए भाई मंदिर सूटेबल है। चलो एक बार अंदर की ओर देखते हैं जाकर। तो चलें आगे की ओर टॉर्च। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं। तो अमन भाई इनके मैंने बोल दिया चल यार कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो देख सकते हो आप यहाँ पर जे एरिया है पीछे जे बाहर का जी। आ गए हम अंदर की ओर। अरे यार और जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना ये चीज़ें जी यहाँ से आप लोग बाहर की ओर देख सकते हो यहाँ से और अंदर की ओर बाहर से हवा आती है यहाँ से जी यहाँ पर। और ये पूरे गोलंबर दिखा दूँ चमगादड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। देखो लाइट लगी हुई है चारों तरफ लाइट लगी हुई है जहाँ पे उंजले ही उंजले आए। हाँ और ये एक विंडो दी गई है यहाँ से नीचे का और है ये देखो ये नीचे की ओर देख सकते हो। ये भी आपको अंदर जाने का है ये भी। अभी चलते हैं अंदर की ओर और यहाँ पे ये दीवारें बंद कर दी गई हैं जो वाली जो बंद कर दी गई हैं चारों तरफ से जे वाली बंद कर दी है जे भी बंद कर दी है और ये खुली हुई है। ये देखो जो राजा थे यहाँ से रानियों को आवाज़ देते थे तो यहाँ से ये आवाज़ चलती थी। ये अपना टेलीफोन का काम करती थी पहले यहाँ से बोलते थे। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पर जो ताला लगा हुआ है ये तो लगता है महल वगैरह होगा ताला लगा हुआ। आ चुके हैं नीचे का पूरा घूम लिया है डर लगा क्योंकि लाइटिंग क्योंकि दूसरे वाले रूम में थे ना। हाँ उसमें पहले वाले चमका बहुत ज़्यादा थे उसमें चमका बिल्कुल नहीं थे। यहाँ पर अच्छे से गए अच्छे से आ गए पर रास्ता भूल गया था भाई। हम दोनों रास्ता भूल गए थे। तो हमें 15 मिनट लगे बाहर आने में 15 मिनट लगे। हम पहले यहाँ गए फिर रास्ता भूल गए फिर बाहर निकले दूसरी जगह चले गए थे फिर दूसरी जगह चले बिल्कुल डीप में चले गए थे। फिर उसके बाद में हॉन्टेड वाली लाइट से हमें पता चला कम से कम अगर देखा जाए तो 30 से 40 फीट नीचे चले गए थे। अरे कहना क्या चाहते हो फिर हमें पता चला हॉन्टेड वाली लाइट से। हां वो डीजे राजेश वाली पता चला उसके बाद हम निकले। चलते हैं बाहर की ओर अभी और देखते हैं सास बहू मंदिर वहाँ मिलते हैं। सास बहू मंदिर का जरा इतिहास जैसे कि आप लोग देख सकते हो और जरा इंग्लिश में कन्वर्ट ब्रांड लिपि जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जैसे कि हम सास बहू मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो आपको खूबसूरत से यहाँ पे नज़ारे मिलेंगे पेड़ मिलेंगे यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हो आप। और ये रहा सास मंदिर वो रहा बहू का मंदिर। तो अभी हम लोग आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं सास मंदिर ये कैसा बना है और क्या इतिहास है इसका। हम लोग चलते हैं आपको अंदर तो अंदर के नज़ारे आपको दिखाते हैं और इसकी जो हिस्ट्री है हिस्ट्री भी पूरी इसकी बकायदा हम लोग आपको बताते हैं इसकी सास बहू मंदिर का रहस्य क्या है। तो आइए अंदर। तो अभी हम लोग जैसे कि यहाँ से चलते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे मूर्तियाँ मिलेंगी यहाँ पर मूर्ति के साथ में आपको यहाँ पे यहाँ पे जो ब्रांड लिपि है यहाँ पे आपको ब्रांड लिपि मिलेगी यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो अपने कैमरामैन से बोलूँगा यहाँ पर दिखाए जो देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्रांड लिपि यहाँ पे भी मिलेगी जो सास बहू मंदिर के जो लिखा हुआ है उसके बारे में। तो आपको आओगे अंदर तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये चक्र है आपको एक चक्र मिलेगा। तो जो पहला मंदिर है जो अपन यहाँ पर जूते पहन के जा सकते हैं ये देखो नाम है इसका सास बहू मंदिर। यहाँ पे कोई वो नहीं है यहाँ पे अपन लोग जूते चप्पल पहन के भी आते हैं और यहाँ पे पूरी मंदिर की मुझे मूर्तियाँ हैं विष्णु जी की और साफ चारों तरफ से व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी खंडित हो रही है और सामने जो आप ऊपर की ओर देखते हो यहाँ से तो यहाँ से आप ऊपर की ओर देखोगे तो क्या कारीगरी है यहाँ पे देख सकते हो। और मुझे लग रहा है धनुष का आकार है अर्जुन का धनुष है। हाँ ये देख सकते हो मेरे को धनुष का आकार है ये। और आगे और देखते हैं तो अपन यहाँ पे पूरा व्यू मिलेगा आपको बाहर का जैसे कि यहाँ पे
और देख सकते हो यहाँ पे गणेश जी की और विष्णु जी की मूर्तियां ही बनी है यहाँ पर। और देखो अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ पर लगता है पहले के जमाने में यहाँ पर लगता मूर्ति वगैरह रखी थी, तो इस वजह से यहाँ पे आपको लग रहा होगा जैसे हटा दिया है यहाँ पर। और यहाँ पे तो पूरी मूर्ति है जो खंडित हो चुकी हैं मूर्तियाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है सातवें मंदिर को। इसकी स्थापना 1093 में हुई थी और ये पड़ता है ग्वालियर के मध्य प्रदेश में। तो आइए अपन ये सास जी का मंदिर था, और सामने अपन को जो दिख रहा होगा यहाँ पर वो है बहु, तो दोनों को मिलाकर बोला जाता है से शास्त्र बहु मंदिर। ये रहा इसका पीछे का बैकग्राउंड सास बहु मंदिर का, ये रहा देख सकते हो आप जैसे कि बहुत खूबसूरत सा मंदिर लगता है। और ये रहा बहु का मंदिर, जैसे कि अपन वहाँ अभी जा रहे हैं तो धूप ज़्यादा पड़ चुकी है, तो आइए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर भी चमक रहा है, हाँ यहाँ पे भी ब्रेंड लिपि मिलेगी आपको। चलो चलते हैं अपन, ये जीने दिए गए हैं और यहाँ पे बैठने के लिए चेयर भी है। तो यार आप बहू का मंदिर क्या खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे मंदिर में, और काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा जब आप आते हो। तो ये है ग्वालियर फोर्ट, पूरा ग्वालियर मध्य प्रदेश ग्वालियर, ग्वालियर का एरिया है पूरा। छोटे छोटे मकान दिख रहे होंगे आपको यहाँ से, पहाड़ियों के बीच में बना ग्वालियर। तो ये रहा बहू का मंदिर, चलो आइए इसके बारे में भी हम बताते हैं आपको। तो ये रहा हमारा सास बहू मंदिर, और जैसे कि ये रहा बहू मंदिर, यानी आपको पूरी पूरी हिस्ट्री बता दी है इसके बारे में। तो भाई मेरे संग में आज तो पूरी इतने आज हेल्प की है, डरते डरते तक पूरे अंदर तक गया हुआ है जी आज। तो ये वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, क्यों पूरी वॉच करना चाहिए? अरे वॉच करने लायक ही है भाई, आपको देखनी चाहिए, अकेले नहीं है फैमिली के साथ देखिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज सात शास्त्र बहु मंदिर के बारे में, तो ये सास बहु मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित ये प्राचीन मंदिर है, और इसका निर्माण 1093 में कच्छपाट और राजवंश के राजा महिपाल जी द्वारा किया गया था। भगवान ये मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये हरिदास नाम इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं सास बहु मंदिर के बारे में। तो आप जहाँ पे आते हो तो आपको ग्वालियर के चारों शहर में आपको ये पूरा दृश्य देखने को मिलेगा। आप पीछे देख सकते हो पूरा मजा नहीं आ रहा है, दृश्य पूरा देखने को मिलेगा। और जहाँ से आप आते हो तो मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ, ये पूरा आपको दृश्य है जो ग्वालियर को दर्शा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, आता है किले को से सात लोग मंदिर। और जैसे कि हम लोग आते हैं तो आगे और अंदर ले चलते हैं आपको, जैसे कि हम सास बहू के अंदर गए थे, और बहू का मंदिर भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये रहा आपको देखने को मिलेगा एक खूबसूरत सा नज़ारा, और जैसे कि पता नहीं है जी क्यों लगे हुए हैं, और यहाँ पे कारीगरी भी अच्छी है, यहाँ पे विष्णु जी ही हैं, हर जगह आपको विष्णु जी की मूर्ति मिलेगी यहाँ पर। और ये पत्थर है जो यहाँ से पत्थर भी लगे हुए हैं, पता नहीं पत्थर कैसे हैं ये। और आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर पूरा खुला है, जैसे कि आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ से आपको पूरा ये पूरा एरिया देखने को मिलेगा, पूरे यहाँ से ये पूरी विंडो है बड़ी। और यहाँ से तो ये रहा आज की वीडियो हमारी, भूल भुलैया भी मैंने आपको कवर किया इस वीडियो में, और सास से सास बहु मंदिर भी आप कवर किया है। तो ये वीडियो आपको आपको प्यार देना है इस वीडियो में, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो व्यक्ति नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, मैं रोहित कौर, तब के लिए बाय बाय गाइस, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।